अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करवाता है? फ्लावर। कौन करवाता है? फ्लावर। और फ्लावर कैसा दिखता है मैं तुम्हें बताती हूँ। फ्लावर दिखता है ऐसा, होता है पीटीओल। क्या होता है पीटीओल? बेसिकली क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पीटीओल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर। जब मैं बात करती हूँ स्टॉक ऑफ द फ्लावर, तो ये फ्लावर को क्या करता है? अपनी होल्ड पे, जगह पर होल्ड करके रखता है। होल्ड्स द फ्लावर इन प्लेस। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो फ्लावर का वॉल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। कैलिक्स क्या होता है? सेपल्स। सेपल्स क्या होता है? ग्रीन लीफी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? ग्रीन लीफी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है ना, ये जो ग्रीन लीफी पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, ये जो ग्रीन लीफी पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्लांट को बड स्टेज में बताते हैं। यानी कि जब वो कली के शेप में होता है ना, तब तुमने देखा होगा जो ये जो ग्रीन पार्ट रहता है ये बहुत बड़ा रहता है, और जो एक्चुअल फ्लावर रहता है वो छोटा रहता है। ये उसको बड स्टेज में, जब वो कली की स्टेज में होते हैं, तब उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज। छाप बाद में लेना, पहले समझ लो। ठीक है ना, उसके बाद जो अगला वॉल होता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं नैवेद्य? ठीक है ना, कोरोला क्या होता है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्या होता है? ये जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है, ये कैसे रहते हैं? ये कलर्ड और सेंटेड रहते हैं। क्या रहते हैं? ठीक है ना, मतलब क्या हुआ? ये प्लांट की पंखुड़ियां होती है फ्लावर की, जो पिंक, रेड, येलो, ग्रीन हमने बनाई थी उस दिन, नैवेद्य को देने था किसी को, तो ये वो होती है। इसकी दो खासियत होती है, एक ही कलर्ड होती है, दूसरा ये सेंटेड होती है। सेंटेड मतलब इसमें से क्या आती है? खुशबू आती है। इसके कितने फंक्शन रहते हैं? इसके दो फंक्शन रहते हैं। पहला क्या? इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इट अट्रैक्ट्स ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और दूसरा प्रोटेक्ट्स इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्रोटेक्ट्स इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं बेटा? स्टेमेन और कार्पेल। ये जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं? ये दिख रहा है स्टेमेन, ठीक है ना। स्टेमेन के अपने आप में कितने दो पार्ट होते हैं? दो, एक ये फिलामेंट जो क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्टेमेन होता है। क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्टेमेन, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये क्या होता है? एंदर। ये क्या होता है? ठीक है ना, एंदर क्या होता है? इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। इट कंटेन्स ठीक है ना, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ग्रीन पाउडर, सॉरी येलो पाउडरी सब्सटेंस। क्या होते हैं? येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस। और वन पोलन ग्रेन, वन पोलन ग्रेन
कंसिस्ट ऑफ टू मेल गैमिट्स. एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट्स होते हैं? वन पोलन ग्रेन कंटेन्स टू मेल गैमिट्स. आ रही है बात समझ में? इसके बाद ये चीज दिख रही है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पेल. ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल. ये जो कार्पेल होती है, इसके अपने आप में कितने पार्ट्स होते हैं? तीन. इसके अपने आप में कितने पार्ट्स होते हैं? तीन. सबसे पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी. ठीक है ना? स्टिग्मा क्या होता है? वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करता है. इट्स द प्लेटफॉर्म वेयर पोलन ग्रेन लैंड्स. स्टाइल क्या करती है? इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी. इट कनेक्ट ठीक है ना, ओवरी देख रहे हो, ये बेसल मोटा पार्ट होता है. दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द बेस बना रहा है, बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स ओव्यूल्स. इट कंटेन्स ओव्यूल्स. और ओव्यूल में कौन होता है? फीमेल गैमीट या फिर एग. ओव्यूल में कौन होता है? फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट मतलब क्या होता है? अगर सिंगुलर है तो ओवम, और प्लूरल है तो ओवा. इज दैट क्लियर?